हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं कबड्डी के मैट पर हुए मैच नंबर 131 के हाइलाइट्स। ये मैच गुजरात जायंट्स और यूमुम्बा के बीच हुआ था, जिसमें 3 पॉइंट्स के साथ जीत हुई गुजरात जायंट्स की। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस मैच का टीम स्टैट्स। मैच के फर्स्ट हाफ में गुजरात जायंट्स टीम लीड में नजर आई, जहां उनके पास टोटल पॉइंट्स थे 20, रेड पॉइंट्स थे 14, टैकल पॉइंट्स थे 4 और ऑल आउट पॉइंट्स थे 2। तो वहीं यूमुम्बा के पास टोटल पॉइंट्स थे 14, रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। मैच के सेकेंड हाफ में यूमुम्बा टीम ने गुजरात जायंट्स से ज़्यादा स्कोर किए, जहाँ उनके पास टोटल पॉइंट्स थे 19, रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 5, ऑल आउट पॉइंट्स थे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। तो वहीं गुजरात जायंट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 16, रेड पॉइंट्स थे 7, टैकल पॉइंट्स थे 6, ऑल आउट पॉइंट्स थे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। इसके बाद बात कर लेते हैं इस मैच में रेड्स की। तो इस मैच में दोनों ही टीम्स ने कोई भी सुपर रेड नहीं की थी। गुजरात जायंट्स के पास टोटल रेड्स 40 थी, जिसमें सक्सेसफुल 16 रही थी, और यूमुम्बा के पास टोटल रेड्स 39 थी, जिसमें सक्सेसफुल 17 रही थी। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेड गुजरात जायंट्स की थी 6 और यूमुम्बा की थी 3। सुपर रेड्स के साथ साथ इस मैच में कोई भी सुपर टैकल नहीं हुआ। गुजरात जायंट्स के पास टोटल टैकल्स 26 थे, जिसमें सक्सेसफुल 10 रहे थे, और यूमुम्बा के पास 27 टोटल टैकल्स थे, जिसमें सक्सेसफुल 7 रहे थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। सबसे पहले देख लेते हैं गुजरात जायंट्स के टॉप परफॉर्मर्स। यहाँ पर टॉप रेडर रहे थे राकेश, जिनके रेड अटैम्प्ट से 21 और 8 पॉइंट से 13, और टॉप डिफेंडर रहे थे गिरीश, जिनके टैकल अटैम्प्ट से 7 और टैकल पॉइंट्स थे 5। यूमुम्बा के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पर टॉप रेडर रहे थे वी अजीत, जिनके रेड अटैम्प्ट थे 17 और 8 पॉइंट्स थे 11। टॉप डिफेंडर रहे फजल अतराचली, जिनके टैकल अटैम्प्ट थे 5 और टैकल पॉइंट्स थे 3। मैच का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ खत्म होने के बाद गुजरात जायंट्स ने स्कोर किए 36 पॉइंट्स, तो वहीं यूमुम्बा स्कोर कर पाई सिर्फ 33 पॉइंट्स, और इसी के साथ जीत हुई गुजरात जायंट्स की। तो अगर आप सबको वीडियो आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।